कलेक्ट्रेट में अखिल भारतीय मुस्लिम धोबी समाज और कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने बताया कि जिला गाजियाबाद थाना विजयनगर चौकी में अवैध खंड 3 में दिलशाद नामक व्यक्ति की पुलिस की पिटाई से मौत हो गई है, जिसको लेकर उन्होंने पूरे मामले की जांच कर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। हमारे रिजवान भाई हैं, ये ब्लॉक अध्यक्ष है, धोबी जाति से हैं। इनकी जाति का एक व्यक्ति जो गाजियाबाद में विजयनगर थाने के अंतर्गत अपनी धोबी ड्राई क्लीनर काम करता था, वहीं के पुलिस वालों की कपड़े धोया करता था, उन्हें प्रेस किया करता था। उसके खिलाफ कोई छोटा मोटा छेड़छाड़ मुकदमा था थाने के अंदर, लेकिन वो थाने में बेबाक तरीके से जाता था पहले से, क्योंकि सभी पुलिस वालों की वर्दी वो धोता था और उनके कपड़े देने जाता था। एक दिन पुलिस वाले का फ़ोन आया कि मेरी वर्दी लेकर आ जा फटाफट। वो लड़का लेकर चला गया और उस वक्त उसका छोटा भाई भी साथ में था। उसके छोटे भाई ने वहाँ जाकर देखा कि उसके भाई को वर्दी के बहाने बुलाया और बुला करके अपनी गाड़ी में बैठाया। बैठाने के बाद में फिर पता किया कहाँ है, दो दिन तक बताया नहीं, बताया तो ये बताया तो उसका एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। इस समाज का, धोबी समाज का ये आरोप है और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी दे रहा है कि पुलिस वालों ने ही उसकी कहीं ना कहीं हत्या कर दी। और किस लिए की गई ये जांच विषय है और धोबी समाज और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि विजयनगर थाने में जो हत्या धोबी समाज के बच्चे की हुई है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। उसी सिलसिले में सहारनपुर का धोबी समाज डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आया। कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या रहेगा? कोई कार्रवाई नहीं होती है उसके बाद में धोबी समाज और कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर समीक्षा बुलाएगी, मीटिंग करेगी, उसके बाद जो निर्णय इनका समाज लेगा, पार्टी लेगी, वो आपको बता दिया जाएगा। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।